हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं एक न्यू अपडेट के साथ आया हूं। तो यहां पर मैं बता दूं कि हीरो मोटर कॉप में रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप भी हीरो मोटर्स कॉप में जॉब करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आज बताने वाला हूं कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इस कंपनी में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ये सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। और यहाँ पर मैं फॉर्म को भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक एक न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कंपनी नेम दिया हुआ है हीरो मोटर्स कॉप LTD निमरना राजस्थान में ये कंपनी है। तो अगर आप भी हीरो मोटर्स कॉप में जॉब लेना चाहते हैं तो आज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इस कंपनी में कैसे जॉब ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है ITI पास आउट कैंडिडेट को ही इसमें लिया जाएगा। और एज लिमिट जो है यहाँ पर देख 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा। और जेंडर जो है मेल एंड फीमेल बोथ आर अप्लाई, तो इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट ईयर जो है 2018, 2019 और 2020 के कैंडिडेट को ही इस कंपनी में जॉब मिलेगा। अगर आप ITI 2018, 19, 20 में पास किए हैं तो आप इस कंपनी में जॉब ले सकते हैं। और यहां पर आगे देख सकते हैं कि जॉब कैटेगरी जो है FTE और अप्रेंटिस का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 ईयर एक्सटेंडेबल। और सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी के अनुसार से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर अगर कैंटीन फैसिलिटी की बात करें तो इस कंपनी में आप लोगों को कैंटीन फैसिलिटी मिलने वाली है। और नोट्स में यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सभी छात्र नीचे दिए गए फॉर्म को सावधानी से भरें और सबमिट करें। आवेदन पत्र में दिए गए विवरण एवं योग्यता के अनुसार टीम द्वारा भर्ती को फोन कर आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा। तो आप लोग यहां पर मैं फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा, तो आप लोग जितना भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसी के अनुसार से इस कंपनी में आप लोगों को लिया जाएगा। अगर आप उस क्वालिफिकेशन के लायक होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आगे कॉल किया जाएगा, अन्यथा आप लोगों को नहीं कॉल किया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि फिल ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन, तो आप कैसे इसे करेंगे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हीरो मोटर्स कॉप LTD निमरना, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर में आप लोगों से नाम फिलअप करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर अपना नाम फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम बोला जा रहा है, यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि ITI स्टूडेंट 2018 एंड 2019 पास आउट ओनली, या फिर अप्रेंटिस ITI स्टूडेंट 2018 एंड 2019 पास आउट ओनली। तो आप यहां पर आपका जो भी रुचि अगर होगा वो यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि ITI किस स्टेट से आप किए हुए हैं वो यहां पर फिलअप करना है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं कि एडमिशन ईयर इन ITI, आप ITI में एडमिशन कब लिए हैं 2016, 17, 18, 19, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप ITI कब पास किए हैं या फिर आपका पेयरिंग है, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ITI कोर्स डिडक्शन, तो यहाँ पर आपका ITI का कोर्स 1 ईयर का है या 2 ईयर का, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर मेल होंगे तो मेल, फीमेल अगर फिल करना है तो यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका मांगा जा रहा है, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर जिस पर कॉलिंग मैसेजिंग आता हो। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप लोगों से फिल करने को बोला जा रहा है, यहाँ पर आप अभी जहाँ पर वर्तमान में आप हैं वहाँ का एड्रेस आप लोगों को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वर्तमान में तहसील का फिल करना है, एरिया नेम, यहाँ पर वर्तमान में जिला आप जिस जिले से हैं वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है, यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हैं कि आप लोगों का जो है वर्क एक्सपीरियंस डिडक्शन,
तो आप लोग अगर एक्सपीरियंस होंगे तो यहाँ पर फिल करना है 1 से 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, या 6 से 12, या फिर मोर देन 1 ईयर, या फिर नहीं है एक्सपीरियंस तो आप सबसे फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि क्या आपने हीरो मोटरस्कोप लिमिटेड में किसी प्लांट में काम किया है। तो अगर आप हीरो मोटरस्कोप प्लांट में काम किए होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है कि कार्य अनुभव कंपनी का नाम, जिस कंपनी में अगर आप काम किए होंगे उसका यहाँ पर नाम फिलअप करना है। अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पर नो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने ज्ञान के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आपको शरीर में तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी जानकारी सत्य और सही हैं। तो अगर आप सही चीज़ सब भरे हैं सही से स्टेप बाय स्टेप, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन दिया हुआ है, आप लोगों को लास्ट में इस पर क्लिक करना है तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर क्वालिफिकेशन के अनुसार से ये कंपनी ले रही है तो आपका अगर क्वालिफिकेशन अच्छा खासा होगा तो आप लोगों का फ़ोन आएगा, और जिसका जो एक्सपीरियंस मान लीजिए जिसका बेसी है तो उन लोगों का ही होगा सबसे फर्स्ट में, उसके बाद फिर पीछे वाला का होगा। तो अगर आप भी इस कंपनी में जाना चाहते हो तो आप इस तरह से अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।